नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर किसी व्यक्ति के हाथ की हथेली में या फिर पैरों के तलवों में जलन सा होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, या फिर झुंझुनाहट सा होता है, या फिर चींटियां आने जैसा लगता है, ऐसी कंडीशन में कौन कौन सी मेडिसिन या फिर दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी बीमारी नहीं है। ऐसी कंडीशन 100 में से 15 से 20 लोगों को होती है और ये ऐसी कंडीशन ज़्यादातर गर्मी के सीजन में होती है और इस बीमारी को या फिर ऐसी कंडीशन को पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहा जाता है। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन होने के बहुत सारे कारण हैं, पर दोस्तों किसी किसी को ज़्यादा तो पैरों में या हथेलियों में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन न होने के कारण या फिर किसी को दूसरी बड़ी बीमारी होने के कारण होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी कंडीशन में डॉक्टरों द्वारा सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली मेडिसिन के बारे में हम जानने वाले हैं, जैसे कि मेडिसिन का ब्रांड नेम, कंपोजिशन और डोसेस के बारे में। इसमें सबसे पहले लेते हैं हम न्यूरोबियन 4 टैबलेट को। तो दोस्तों, पेरिफेरल न्यूरोपैथी में सबसे ज़्यादा डॉक्टरों द्वारा न्यूरोबियन 4 टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। और दोस्तों, इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन B12 देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इसके डोसेस की बात करें तो दोस्तों इस टैबलेट को ओडी दिया जाता है, मतलब दिन में एक बार भोजन के बाद या फिर आपके डॉक्टर द्वारा निर्धारित समय के अनुसार लेना है। और दोस्तों, इसके यूजेस या फिर उपयोग के बारे में बात करें तो दोस्तों इस टैबलेट का उपयोग पेरिफेरल न्यूरोपैथी में और विटामिन्स की कमी में भी किया जाता है। इसके बाद है दोस्तों दूसरी वाली मेडिसिन, न्यूरोकाइन गोल्ड RF कैप्सूल। इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें आपको मल्टीविटामिन और मिनरल्स देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इसके डोसेस की बात करें तो दोस्तों इस कैप्सूल को ओडी दिया जाता है, दिन में एक कैप्सूल। तो दोस्तों, इस कैप्सूल को भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी में और प्रोफिलैक्टिक यूज़ में दिया जाता है। और दोस्तों, इस टैबलेट को विटामिन्स के कमी में भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके बाद है अगली वाली मेडिसिन, न्यूरोबियन प्लस टैबलेट। इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें आपको मिकोबलामाइन, पायरिडॉक्सिन और निकोटिनामाइड देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इसके डोसेज की बात करें तो दोस्तों इस टैबलेट को ओडी दिया जाता है, मतलब दिन में एक बार। इस टैबलेट का उपयोग भी पेरिफेरल न्यूरोपैथिक कंडीशन में किया जाता है। इसके बाद है दोस्तों अगली वाली मेडिसिन, ऑप्टीन्यूरॉन 4 टैबलेट। इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें आपको विटामिन B12 और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इस टैबलेट का उपयोग न्यूरोपैथिक कंडीशन में और विटामिन्स की कमी में किया जाता है। और इसके डोसेस की बात करें तो दोस्तों इस टैबलेट को ओडी दिया जाता है, मतलब दिन में एक बार इस टैबलेट को दिया जाता है। तो दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छे टैबलेट है पेरिफेरल न्यूरोपैथी में। तो दोस्तों, ये थे मेडिसिन पेरिफेरल न्यूरोपैथी में प्रिस्क्राइब की जाने वाली। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी भी मेडिसिन का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर का सलाह जरूर लें, उसके बाद ही इन मेडिसिन का सेवन करें या फिर यूज़ करें। और दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।